हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए शिमला मिर्च की बिल्कुल एक नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत ही पसंद करने वाले हैं। यकीनन आपके घर में बिल्कुल इसे बहुत ही पसंद किया जाएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम शिमला मिर्च, एक कटोरी यहाँ पे हमने मटर लिए हैं और एक कटोरी ही यहाँ पे हमने आलू भुजिया जो आती है वो लिया है हमने। तो सबसे पहले सारे शिमला मिर्च को धो के हम अच्छे से साफ कर लेंगे और उसे हम इस तरीके से बीच में एक कट लगाएंगे। उसे सिर्फ एक शिमला मिर्च के हमें दो टुकड़े लगाने हैं और उसके अंदर का जो बीज है उसे हम अच्छे से काट के साफ कर लेंगे। तो एक शिमला मिर्च हमारा कट चुका है तो बाकी के भी शिमला मिर्च को हम इसी तरीके से काट लेंगे। अब हमने जो एक कटोरी फ्रेश मटर लिया था तो पैन को गर्म करने के बाद एक चम्मच हमने यहाँ पे तेल डाला है, कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लें आप, और सारे मटर को हम ऐड कर देंगे और मटर के कलर चेंज होने तक और सॉफ्ट होने तक इन्हें हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो हमारी मटर है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे हमने दो हरी मिर्च और थोड़े से लहसुन ऐड किए हैं, करीबन 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हमने ऐड की है। तो मटर को करीबन 4 से 5 मिनट तक हमें भूनना है ताकि जो हमारे मटर हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो आप देख सकते हैं मटर ने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। बस इसे 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद इसे लीड लगा के हम छोड़ देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने जो एक कटोरी यहाँ पे आलू भुजिया लिया था मिक्सर जार में, सबसे पहले उसे हमने ऐड कर दिया है, फिर हमारे जो भुने हुए मटर थे उन्हें हमने ऐड कर दिया है और मसाले के लिए यहाँ पे हम धनिया का पाउडर ऐड कर रहे हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़े से कटे हुए हमने हरे धनिया को ऐड किया है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे एक नींबू का जूस निचोड़ देंगे, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद भी मिलेगा खट्टा खट्टा सा हमें, और हमारी जो पेस्ट बन के तैयार होने वाली है उसे बहुत अच्छा सा बाइंडिंग भी मिलेगा। तो बस इन सब का हम मिक्सर जार में हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो सेम इसी तरीके का पेस्ट बनाना है, इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें नहीं तो आपका जो ये पेस्ट है थोड़ा रनी हो सकता है, इसके आगे की जो हम प्रोसेस करने वाले हैं उसमें हमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो बस हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है और शिमला मिर्च जो हमें कट करके रखे हैं उन सारे मसालों को, जो स्टफिंग हमने तैयार किया है, पेस्ट तैयार किया है, उनको हम एक एक करके सभी में अच्छे से भर देंगे। चम्मच से दबाते हुए अच्छे से भरें आप ताकि चारों तरफ से इसमें अच्छे से सभी तरफ फैल जाए हमारा जो ये पेस्ट है। और बहुत टेस्टी सा ये पेस्ट बनके तैयार होता है, आप इसे चटनी की तरह भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो सभी में हमने स्टफ कर लिया है अच्छे से। इस रेसिपी को इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें, घर में सब बहुत ही तारीफ करेंगे आपकी। तो दूसरी तरफ हमारा पैन भी अच्छे से गर्म हो गया है और सिर्फ एक चम्मच यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जितने हमारे कैप्सिकम हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और गैस के मीडियम फ्लेम पे लीड लगा के इन्हें हमें अच्छे से कुक करना है ताकि जो हमारा कैप्सिकम है बहुत अच्छे से कुक हो जाए। स्टफिंग में हमने जो यहाँ पे आलू भुजिया को लिया है उसकी जगह आप बेसन के भुजिया या भुने हुए बेसन का पाउडर भी ले सकते हैं, मगर आलू भुजिया का एक अपना एक चटपटा सा टेस्ट होता है, उससे बहुत ही टेस्टी बन जाती है ये रेसिपी। तो आलू भुजिया के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें आप। तो एक तरफ से हमारा शिमला मिर्च बहुत अच्छे से पक गया है तो दूसरी तरफ से इसे हम बहुत ही आराम से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे हम गैस के मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे और तेल बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऐड ना करें आप ज़्यादा, नहीं तो आपने जितना पेस्ट ऐड किया है वो सभी बाहर आ जाएंगे। तो बिल्कुल थोड़े से तेल में ये बनके तैयार भी हो जाता है और इतनी टेस्टी सी रेसिपी बनती है कि यकीनन जब आप इसे बना के खाओगे ना तो आप बोलोगे वाह क्या चीज़ बनी है ये। तो इस रेसिपी को इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें आप। तो दूसरे तरफ से भी बहुत अच्छे से कलर ले लिया है इसने। तो बस हमारी जो ये रेसिपी है बिल्कुल बनके तैयार हो गई है, चावल दाल के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व करें, आपके घर में लोग बहुत पसंद करेंगे। तो हमारे स्टफ्ड कैप्सिकम की रेसिपी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तीखी चटपटी और बहुत ही टेस्टी सी। तो इस रेसिपी को ट्राई करना है फ्रेंड्स और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है।
और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।